अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, हम देखेंगे ब्लिस ओएस। तो हमें सर्च करना है ब्लिस ओएस। ये बेसिकली एक एंड्रॉयड ओएस है जो कि लिनक्स बेसिस पे बेस पे बना है और सारे सॉफ्टवेयर लिनक्स पे ही बनते हैं। तो इस पर हमें क्लिक करना है। हम पहले ओएस डाउनलोड कर लेते हैं, फिर बूट करेंगे, बूटेबल पेन ड्राइव में बूट करेंगे, बूटेबल बनाएंगे एंड उसे करेंगे। तो डाउनलोड पर हमें क्लिक करना है और एंड में यानी हमें लास्ट में जाना है। वर्जन चूज़ कर लेंगे ओएस 11 और ओएस 14। पर हम देख लेते हैं ओएस 11 एंड ओएस 14। तो हम लेटेस्ट वर्जन यूज़ करेंगे। या आप देख ले जीपीयू समेत सब इसमें जो है वो जीपीयू बड़ा हो जिसमें हमारे ग्राफिक कार्ड वगैरह हो उसे हम डाउनलोड करेंगे। तो मैंने इसे डाउनलोड किया है, पहले से ही मैंने डाउनलोड कर रखा है, बट मैं आपको बताने के लिए मैं प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ। ये आपका सोर्स फ्रॉग साइट पर जाएगा एंड ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले से डाउनलोड कर रखा था बट मैं ये बताने के लिए डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। आप जो है हमें रूफ़ डाउनलोड कर लेना है या पावर ISO डाउनलोड कर लेना है और उससे फिर हमें पेन ड्राइव बूट करना है, ठीक है। तो चले फिर, हमने पेन ड्राइव को अपने कनेक्ट कर दिया है जो कि ऑलमोस्ट 4 GB से लेकर आप उधर मैक्सिमम पेन ड्राइव जितना भी स्पेस कैपेसिटी है। फिर हमें चूज़ करना है, देन फिर उसका ISO फाइल जो है वो हमें लोकेट करके जो है पेन ड्राइव में इसे ओके करना है। एंड जब ये फॉर्मेट हो जाए फिर ये ऑलमोस्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट करके जो है वो पेन ड्राइव में आपको ये करेगा। तो ये हमारा हो गया, मैंने कंप्यूटर स्टार्ट भी कर लिया है पेन ड्राइव लगा के। फिर हमें बूटेबल की जो है वो हमें बूट की मेन्यू की जो है वो हमें प्रेस करनी है। जेब्रोनिक्स का है, F11 हमने प्रेस किया है, ये हमें शो हुआ है। हमें उस पेन ड्राइव पर जाना है, हमने UEFI बूट हमने सेलेक्ट किया है। देन ये जो है वो कंप्यूटर ऑन हो जाएगा, सिस्टम ऑन हो जाएगा। फिर हमें लाइव में जाना है, ब्लिस ओएस लाइव में। थोड़ा सा इसमें प्रोसेसिंग लेगा एंड फिर ये स्टार्ट होगा। तो ये ब्लिस ओएस जो है वो हम सारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, इवन गेम भी, व्हाट्सअप भी, टेलीग्राम्स भी, सारा चीज़। तो ये जो है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये देख ले, तो ये उसका लोगो है और ये हमारा जो है वो सरफेस है। हम लॉन्चर जो है हम चूज़ कर लेंगे एंड चूज़ करके यूज़ भी कर लेंगे। तो ये हो गया है। अब इसे इसका जो प्ले स्टोर होता है ये आप देख ले, बिल्कुल ये एंड्रॉयड सरफेस में है और ये एंड्रॉयड ही है, ठीक है। तो ये हमारा सेटिंग्स वगैरह है और ये सारा चीज़। इसका वर्जन आप देख ले, ऑलमोस्ट जो है वो एंड्रॉयड 11 है, ये एंड्रॉयड वर्जन है। ये सारा चीज़ जो है वो आप देख ले एंड जो है वो आप इसे अपने PC में, लैपटॉप में जब यूज़ कर सकते हैं। चले हम प्ले स्टोर को हम लॉगिन करते हैं। ये प्ले स्टोर है एंड जो है वो इसमें आप अपना जिस तरीके से मोबाइल में आप लॉगिन करते हैं अपना गूगल अकाउंट, आपको इसी तरीके से इसमें भी करना है। तो ये हमने एंटर कर दिया है, देन फिर इसका पासवर्ड एंड जो भी वेरीफिकेशन वगैरह है वो आपको सारा फॉलो करना है। जब ये ऑलमोस्ट जो है वो पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाएगा तो हमारा जो है वो प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा। फिर हम इसमें जो भी हम APK यानी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करें वो डाउनलोड आपका हो जाएगा। अगर आप चाहे तो कोई गेम ऑलमोस्ट PUBG वगैरह जो भी आपको खेलना हो, यूज़ करना हो, आप वो कर सकते हैं जो कि विंडोज़ में नहीं होता। विंडोज़ के लिए एमुलेटर का यूज़ किया जाता है। तो एमुलेटर का वीडियो मेरा पहले से रखा हुआ है, आप उसे यूज़ करके इंस्टॉल कैसे करना है वो आप देख लें। ऑलमोस्ट ये ब्लिस ओएस जो है वो बेटर है, ये आपका पूरा सिस्टम को एंड्रॉयड बना देगा। चले मैं एक गेम डाउनलोड किया हूँ, जैसा कि मैं अभी वीडियो में आपको दिखाया था, प्ले स्टोर लॉगिन करके डाउनलोड किया। हिल क्लाइम रेसिंग की गेम बिल्कुल है, फेमस है, ठीक है। तो ये गेम भी बिल्कुल स्मूथली चलता है। मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको 2 GB से 4 GB रैम चाहिए एंड 160 GB हार्ड डिस्क चाहिए। SSD हो तो और भी बेटर है, प्रोसेसर आपको डुअल कोर में भी इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, जब तक मैं इस कंप्यूटर को बंद कर देता हूँ, ठीक है, तब तक आप मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। एंड जो है अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो बेसिकली जो है वो सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है। तो थैंक यू गाइज एंड अस्सलाम वालेकुम।